कैसे हैं आप सब। मैं हूँ सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब। फ्रेंड्स, तो आप सब जान ही रहे होंगे कि नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा जो CHO की जो भी रिक्रूटमेंट आई हुई थी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, जिसमें 2700 पोस्ट था जो कि 25 नवंबर 2021 को आई हुई थी। और मतलब 5 नवंबर 2021 तक टाइम था, 25 नवंबर 2021 तक टाइम था इसमें, 5 नवंबर से आया हुआ था। तो उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें से बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं भी हुआ था, और कुछ कुछ जो कैंडिडेट हैं वो मतलब NHM ऑफिस में जाके बात भी किए थे। कुछ लोगों का नाम लिस्ट बीच में भी आया था एक बार, और एक बार यहाँ पे फिर से वेटिंग लिस्ट करके प्रतीक्षा संभागवार प्रतीक्षा सूची करके यहाँ पे लिस्ट आया हुआ है 30 अप्रैल को। ये आपने देखा ही होगा, मैंने इसको बहुत पहले ही से देख लिया है लेकिन वीडियो अपलोड नहीं किया था। तो चलिए देख लेते हैं इसमें आखिर है क्या क्या करना है कैंडिडेट को, कब है इनका बाकी। तो यहाँ ओपन में आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद बस्तर जनरल वाले बिलासपुर में, जनरल वालों का बिलासपुर OBC, दुर्ग OBC, दुर्ग जनरल कैटेगरी रायपुर OBC एंड जनरल कैटेगरी सरगुजा जनरल कैटेगरी। तो पिछले टाइम में से पूरे 7 जो है संभाग से संभागवार लिस्ट आया था, जैसे इस वाले में आप लोग देख रहे हैं काउंसलिंग वगैरह का, वैसे ही यहाँ पे अभी फिर से 7 संभाग से यहाँ पे लिस्ट आ चुके हैं। अब इनका फिर से अलग से काउंसलिंग होगा, तो चलिए एक एक को देखते हैं ओपन करके कि कितने कैंडिडेट का नाम है इसमें। तो यहाँ पे अगर बस्तर जनरल वाले में अगर देखें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कैंडिडेट का नाम है जो कि यहाँ पे एलिजिबल है, 67.39% है इनका, और मिताली बाची करके नाम है इनका ना, ठीक है। तो ये जो है कांकेर से है, डिस्ट्रिक्ट इनका कांकेर है, और यहाँ पे बस्तर डिवीजन के अंदर इनको मिला, मतलब सिलेक्शन हुआ है इनका। अब देखते हैं अदर कैंडिडेट का, मतलब इनका अभी काउंसलिंग होना बचा हुआ है, ठीक है। जो वेटिंग लिस्ट में जो कैंडिडेट थे उनमें से है ये। फिर उसके बाद अगर आप इसमें और देखेंगे तो ऐसे ही यहाँ पे रायपुर बिलासपुर दुर्ग सभी जगह का है, तो रायपुर का देखते हैं, दोनों कैटेगरी का एक साथ जो नाम दिया हुआ है इसमें। यहाँ पे रायपुर वालों का देखिए OBC और जनरल साथ में है यहाँ पे, तो नीचे जो है OBC के लिए एक ही कैंडिडेट का नाम आया है, वर्षा ठाकरे करके, जो रायपुर से हैं, और यहाँ पे 64.50% है इनका। फिर जो जनरल कैटेगरी है उसमें से मुकेश चौधरी, राव और दर्शन सिंह, धर्मा राव, चंदू साहू, ठीक है। तो इतने सारे कैंडिडेट लोग का आया हुआ है यहाँ पे। ये पूरा और ये सारे जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल है, तो इतने सारे जितने कैंडिडेट का भी एलिजिबल हुए हैं उनका फिर से काउंसलिंग होगा यहाँ पे, जितने संभाग है इसमें मतलब आया हुआ है, ठीक है। तो अब इनका काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग के लिए लिस्ट आएंगे, देखते हैं कब होता है काउंसलिंग, आगे क्या प्रोसेस होती है इनके लिए। तो आगे और देखते हैं कि और कितने कैंडिडेट का आता है वेटिंग लिस्ट। अब तो वेटिंग लिस्ट में मेरे को नहीं लगता और आगे कैंडिडेट का आएगा, क्योंकि आना क्यों रहता, तो इसी लिस्ट में ही आया रहता सभी कैंडिडेट का, है ना। तो देखते हैं काउंसलिंग कब होता है इनका, आगे का डेट आपको मिल जाएगी इस चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, विश ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।